जाली शैक्षिकी प्रमाण पत्र रैकेट का भंडाफोड़, 8 लोगों को पकड़ा जब्त। नकली शैक्षिकी प्रमाण पत्र 2 सेल फोन। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने संतोषनगर पुलिस टीम के साथ मिलकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं मुख्य 3 आरोपी नवीद, नदीम व अबरार, जो जरूरतमंद ग्राहकों को फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र देकर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के इंटरमीडिएट, डिग्री, बीटेक आदि के नकली शैक्षिकी प्रमाण पत्र। अभियुक्तों का विवरण, सैयद नवीद एट फैसल, उम्र 30 साल, याकूतपुरा हैदराबाद। सैयद नदीम, उम्र 25 साल, मिला मंडी हैदराबाद। मोहम्मद अबरारुद्दीन, उम्र 22 साल, जमाल कॉलोनी हैदराबाद। अभ्यर्थियों ने खरीदे फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र। अब्दुल रहीम खान, उम्र 38 साल, संतोष नगर हैदराबाद। अब्दुल करीम खान, उम्र 32 साल, संतोष नगर हैदराबाद। मोहम्मद इस्माइल अहमद, आयु 25 वर्ष, संतोष नगर हैदराबाद। मोहम्मद नासिर अहमद, उम्र 22 साल, संतोष नगर हैदराबाद। फैसल बिन शादुल्ला, आयु 30 वर्ष, डोमकोंडा कामारेड्डी जिला। जब्त किए गए नकली प्रमाण पत्र। एसएससी तेलंगाना राज्य 4, इंटरमीडिएट महाराष्ट्र राज्य 4, ओयू सिटी 3 की डिग्री आंध्र विश्वविद्यालय के बीटेक 7। तेलंगाना विश्वविद्यालय की डिग्री 30 से मबायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे 5। मामले के तथ्य, मुख्य आरोपी सैयद नवीद एट फैसल एक कंसल्टेंसी व्यवसाय चला रहा है जिसका नाम इमेज कंसल्टेंसी यादगिरी थिएटर संतोष नगर के पास स्थित है। लॉकडाउन के कारण उन्हें अपने व्यापार में भारी घाटा हुआ। मई 2021 के महीने में उन्होंने बशीरबाग हैदराबाद में विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए प्रवेश और वीजा प्रक्रिया के लिए क्यूबेज ओवरसीज एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में एक परामर्श शुरू किया। उसके लिए छात्र के पास अच्छे ग्रेड के साथ सभी शैक्षिकीय अंक ज्ञापन होने चाहिए और I-20, IELTS, PTE, DOULINGO स्पष्ट होना चाहिए। अपने व्यवसाय में वो सही प्रक्रिया में जाते हुए अपनी आवश्यकताओं तक नहीं पहुंच सका। इस बीच कई ड्रॉपआउट और निम्न श्रेणी के छात्र उनकी परामर्श से संपर्क करने के लिए उपयोग करते हैं और डिप्लोमा पाठ्यक्रम या उच्च अध्ययन के लिए किसी भी विदेशी देश में प्रक्रिया करने का प्रस्ताव देते हैं। छात्रों की मांग के आधार पर उन्होंने अवैध गतिविधि करने की योजना बनाई। अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए उसने निम्न ग्रेड असफल उम्मीदवारों को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की योजना बनाई, जो अवैध तरीकों से उनकी परामर्श के पास आ रहे हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने शेख नदीम, निवासी मीरलम मंडी मिर्चचौक को नियुक्त किया, जो एक अच्छा DTP कार्यकर्ता है और वो अन्य तकनीकी कार्यों को जानता है, और ग्राहकों की व्यवस्था के लिए जमाल कॉलोनी निवासी मोहम्मद अबरारुद्दीन को नियुक्त करता है। इस प्रकार वो अभ्यर्थियों के अनुत्तीर्ण अंक वाले मेमो और कम अंक वाले मेमो को लेता है और उन्हें अच्छे ग्रेड वाले मेमो में बदल देता है। तदनुसार वो छात्रों को अवैध रूप से विदेशों में भेज रहा है और रुपये की राशि वहन कर रहा है 70,000 से 80,000 प्रत्येक उम्मीदवार से, और अवैध रूप से आसान धन प्राप्त करना। नागरिकों से अपील, कृपया अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के फर्जी शैक्षिकी परामर्शदाताओं, मध्यस्थों, एजेंटों पर विश्वास न करें जो बिना किसी परीक्षा के विश्वविद्यालयों कॉलेजों से बैकडोर और बैकडेट के माध्यम से शिक्षा प्रमाण पत्र प्रदान करने का झूठा वादा करते हैं। यदि कोई अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उसे कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उपरोक्त गिरफ्तारियां श्री द्वारा की गई थी। एस राघवेंद्र पुलिस इंस्पेक्टर साउथ जोन टास्क फोर्स और SI श्री वी नरेंद्र, एन श्री शीलम, के नरसिमलु, पी श्रीनैया और साउथ जोन टास्क फोर्स हैदराबाद शहर के कर्मचारी संतोष नगर पुलिस हैदराबाद के साथ चक्रवर्ती गुम्मी उप पुलिस आयुक्त, आयुक्त कार्यबल हैदराबाद शहर।